तो कैसी हो पब्लिक। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा डरावनी एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यह स्टोरी शेयर की है हमारे एक सब्सक्राइबर विशाल ने, तो थैंक यू विशाल शेयरिंग दिस स्टोरी। तो विशाल एक छोटे से गांव में रहता है और विशाल की एज लगभग 17 साल है। तो विशाल को कभी भी ऐसे डर नहीं लगता है, लेकिन जब कभी भी उसके गाँव के अंदर या उसके मोहल्ले के अंदर किसी की मौत हो जाती है तो उस दिन विशाल को पूरी रात नींद नहीं आती एंड वो काफी परेशान रहता है। तो ऐसे ही एक दिन विशाल के मोहल्ले में नीतू आंटी की मौत हो गई और नीतू आंटी का घर, ये विशाल का घर एंड इसके पास में ही नीतू आंटी का घर था, मतलब पड़ोस में ही थे। और फिर नीतू आंटी के मौत के बाद नीतू आंटी का दाह संस्कार कर दिया जाता है। नीतू आंटी को जलाने के बाद अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी, तो अब विशाल को डर लगने लगा था क्योंकि विशाल ने अपने गांव वालों से और अपने दादाजी से सुना था कि किसी की भी मौत होने के बाद लगभग 13-14 दिन तक उसकी आत्मा घर के आसपास ही घूमती रहती है। तो विशाल पूरे दिन यही सोच रहा था और यही सोचते सोचते उसे रात हो जाती है। विशाल अपने मम्मी पापा से अलग सोता है, मम्मी पापा उसके अलग सोते हैं एंड वो अलग सोता है। रात के 8-9 बजते ही विशाल अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए। तो अब विशाल अपने बेड पर लेटा हुआ है और बेड पर लेटे लेटे वो अपनी छत को देख रहा है एंड वो वही नीतू आंटी के बारे में सोच रहा है। तो अब काफी देर के बाद विशाल की आंख लग गई थी और तभी किसी ने उसके पैर को पकड़कर जोर से खींचा एंड जैसे ही उसके पैर को खींचता है तो विशाल एकदम से खड़ा हो जाता है। एकदम से खड़ा होकर इधर उधर देखता है लेकिन वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब विशाल बेड पर बैठे बैठे यही सोच रहा था कि ये कोई वहम तो नहीं हो सकता, क्योंकि विशाल जिस बेड पर सोया हुआ था जैसे ही उस बंदे ने उसके पैर को खींचा तो विशाल काफी नीचे चला गया था। अब विशाल को काफी ज्यादा डर लगने लगता है और उसी डर को कम करने के लिए विशाल अपना टीवी चालू कर लेता है और अब काफी देर आधा एक घंटा टीवी देखने के बाद अब विशाल को नींद आने लगती है और विशाल अपना टीवी बंद कर देता है और जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। पहले तो विशाल को काफी देर तक नींद नहीं आती है लेकिन काफी देर तक बेड पर लेटे रहने की वजह से विशाल की आंख लग जाती है और तब भी फिर से किसी ने विशाल के पैर को पकड़कर जोर से नीचे खींचा और अब की बार तो विशाल जमीन पे गिर गया था, बेड से सीधा घसीटा एंड सीधा जमीन पे आके गिरा। और तभी विशाल जल्दी से खड़ा होता है और कमरे की चारों तरफ देखने लगता है लेकिन वहां पर कोई होता ही नहीं है। अब विशाल कांपने लगता है और सर्दी के मौसम में भी विशाल को पसीने आ रहे थे। विशाल पूरी तरीके से पसीने से भीग चुका था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज मेरे साथ में ये हो क्या रहा है। विशाल डर को कम करने के लिए एक बार फिर से टीवी चालू कर लेता है। विशाल टीवी देखते देखते बस यही सोच रहा था कि मेरा पैर किसने खींचा, कहीं ये नीतू आंटी तो नहीं है। अब विशाल काफी देर तक यही सब सोच रहा था और ज्यादा देर तक टीवी देखने की वजह से उसे वापिस से नींद आने लगती है, लेकिन उसे यह भी पता था कि अब मुझे नींद तो नहीं आएगी क्योंकि इतना सब हो चुका था, अब उसे नींद नहीं आने वाली थी। लेकिन अब रात के 1 बज चुके थे तो विशाल सोचता है कि अब टीवी को बंद कर देना चाहिए। तो अब विशाल अपनी टीवी को बंद कर देता है और अपने बेड से उठकर पानी पीने के लिए जाता है। वो बेड पर बैठे बैठे ही टीवी देख रहा था एंड उसे प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए जाता है। सामने उसके टेबल रखी थी, उस पे पानी था तो वो पानी पीने के लिए जाता है। जैसे ही विशाल उस पानी के पास में पहुंचता है तो उसे किसी के खटखट की आवाज आती है, कुछ ऐसी आवाज आती है। तो विशाल को जैसे ही वो आवाज आती है तो विशाल एकदम से पीछे मुड़कर देखता है और विशाल वहीं पर जोर जोर से कांपने लगता है। विशाल पूरी तरीके से पसीने से भीग चुका है, उसके दांत बजने लगे हैं और उसे ऐसा लग रहा था कि काफी सारी चींटियां उसके शरीर को खा रही है और उसे कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है जिसकी वजह से वो अपनी पैंट में मूत देता है। विशाल ने देखा कि नीतू आंटी कमरे के बाहर खड़ी हुई है और खिड़की को बंद कर रही है खोल रही है, बंद कर रही है खोल रही है। और नीतू आंटी ने वही कपड़े पहने हुए थे जो मौत के समय पहने हुए थे और उसके पूरे बाल खुले हो रखे थे और एक छोटी सी स्माइल के साथ में विशाल को घूरे जा रही थी, बस विशाल को देख रही है। अब विशाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कमरे के बाहर अपने मम्मी पापा के पास जा सके, इसलिए विकास हड़बड़ी में अपने फोन को उठाता है और अपने पापा को कॉल करता है और पापा को कहता है कि पापा मुझे डर लग रहा है। और तभी विकास के पापा भागकर उसके कमरे में जाते हैं लेकिन तब तक नीतू आंटी वहां से गायब हो चुकी थी, वो वहां पर थी नहीं। जब विकास के पापा उसके कमरे में गए
तो वहां पर कोई नहीं होता। और फिर विकास के पापा विकास को अपने साथ में अपने कमरे में ले जाते हैं एंड वो वहीं पर सो जाता है। और फिर विकास अगले दिन सुबह उठकर सबको ये सारी बातें बताता है, जो भी उसके साथ में रात में हुआ वो सारी बातें बताता है। तो उसके मोहल्ले वाले कहते हैं कि हाँ, हमने भी नीतू आंटी को देखा है एंड वो मोहल्ले में काफी सारे लोगों को दिखी थी। और आज भी विकास के घर या विकास के पड़ोस या फिर विकास के गांव के अंदर किसी की भी मौत हो जाती है तो विकास अपने मम्मी पापा के साथ में सोता है, अकेला नहीं सोता, और वो अभी 20 साल का हो चुका है। तो बस यही थी विकास की स्टोरी। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को तो ऑल पर सेट कर लेना क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड बाय। थैंक यू।